हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं, हम ओ लेवल का सिलेबस कवर कर रहे हैं और उसमें मॉड्यूल M3R5 हमारा रनिंग में है, जिसका की नेम है प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन, जिसमें हमारा चैप्टर 8 रनिंग में है और चैप्टर नंबर 8 का पार्ट 6 है हमारा, जो कि है हमारा हेल्प फंक्शन। चैप्टर नंबर 6 का नेम आप जानते हैं स्कोप एंड मॉड्यूल्स हैं, जिसमें कि आज हम जानेंगे कि हेल्प फंक्शन के थ्रू कैसे हम मॉड्यूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। चाहे कोई सा भी मॉड्यूल हो, हम उसके बारे में कैसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, कैसे हेल्प फंक्शन का यूज़ हमारे पाइथन की प्रोग्राम्स में किसी भी मॉड्यूल्स के लिए, किसी फंक्शन के लिए हम कर सकते हैं, वो आज हम हमारी वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो चलिए हम इसका एक प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारा प्रोग्राम प्रीवियस से रनिंग में आ रहा है, यानी ये मॉड्यूल आपने क्रिएट करना सीख लिया है। आप जानते हैं हमारा इस मॉड्यूल का नेम है पाइथन और इसमें हमने दो फंक्शंस यहाँ पे लिख रखे हैं। आई होप ये सभी चीज़ें आपको प्रीवियस के क्लासेस से अच्छे से आ गई होंगी। अब हम इसके आगे वर्क करना सीख रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको थ्योरी में बताया कि हम हेल्प फंक्शन का यूज़ करना सीख रहे हैं, कि किस तरह से हम हेल्प फंक्शन के थ्रू हमारा जो मॉड्यूल्स हैं उनकी डिटेल्स देख सकते हैं और उसमें कौन कौन से फंक्शन हैं उन सबका यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, आपने ये प्रोग्राम बना रखा है जिसमें यूज़र डिफाइंड आपने दो फंक्शन दे रखे हैं, ऐड एंड सब दे रखे हैं। अब हम देखते हैं कि हेल्प फंक्शन का हम पाइथन के हमारे प्रोग्राम में कैसे यूज़ में ले सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें एक न्यू फाइल क्रिएट करनी होगी। हमने यहाँ न्यू फाइल क्रिएट कर ली है। अब इसमें हमें क्या करना होगा, इंपोर्ट करनी होगी। सबसे पहले तो हमें वो मॉड्यूल इंपोर्ट करना होगा जिसके के लिए हम हेल्प लेना चाहते हैं। तो आप जानते हैं हमारे मॉड्यूल का नेम हमने पाइथन दे रखा है, तो हम यहाँ पे पाइथन एंटर कर देंगे। अब हम हेल्प लेना चाहते हैं तो हमें हेल्प फंक्शन का यहाँ पे यूज करना होगा। हेल्प लिखा हमने, हम जानते हैं जहाँ ब्रैकेट्स लगे होते वो हमारा कोई ना कोई फंक्शन होता है, तो हेल्प फंक्शन हमने यहाँ पे यूज करा। अब यहाँ पे हमें पाइथन यानी हमारा जो मॉड्यूल है उसका नेम लिखना होगा कि हमें इस मॉड्यूल से रिलेटेड हेल्प चाहिए, यानी इसकी डिटेल्स हमें मिल जाए, तो वो हमने यहाँ पे नोट कर दिए। अब हमें अपनी फाइल क्या करनी होगी, सेव करनी होगी। हम सेव पे जाके यहाँ फाइल पे जाके भी सेव कर सकते हैं या कंट्रोल एस से भी सेव कर सकते हैं। आपको अपनी फाइल का नेम देना है जो भी आप चाहें, हम इसको help.py के एक्सटेंशन से सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद अब हमें रन करना है हमारा प्रोग्राम, तो या तो F5 या फिर रन मॉड्यूल में जाके भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे हमने इसे स्टार्ट करा, तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ फंक्शन दिख रहे हैं। पहले तो हेल्प के साथ हमें यहाँ पे डिटेल्स भी मिल रही है, ये हमारा रीस्टार्ट करा हुआ, ये हमारे वो सारे फंक्शंस मिल रहे हैं जो हमारे इस मॉड्यूल के अंदर है। साथ ही हमें हेल्प ऑन मॉड्यूल पाइथन उसकी हेल्प से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल रही है, यानी इस मॉड्यूल का जो मॉड्यूल है उसका नेम क्या है, उसमें कौन कौन से फंक्शन है ऐड एंड सब, और उसमें कितने वेरिएबल्स के लिए डेटा एंटर करना है, वो वेरिएबल्स यहाँ दिखा दिए। ये फाइल कहाँ स्टोर है, वो सारी डिटेल्स हमें इस हेल्प फंक्शन के थ्रू मिल जाती है। तो बेहद सिंपल है हेल्प फंक्शन का पाइथन के मॉड्यूल्स पे वर्क करना। तो आई होप आपको ये सिंपल सा एग्जाम्पल तो आया होगा। तो जिस तरह हमने हेल्प फंक्शन का पाइथन मॉड्यूल में यूज़ करना सीखा है, उसी तरह आप और भी किसी फंक्शंस या किसी भी टॉपिक की डिटेल आप हेल्प फंक्शन के थ्रू पाइथन के सॉफ्टवेयर में ले सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए तो इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।